सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जैसे आप सब फर्स्ट में देख सकते हैं कि लिमिटेड वीडियोस हो रखे हैं, इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा ये देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन डॉलर बन गया था। तो अब जो स्लाइड्स देखेंगे, इस साल स्लाइड्स में सब कुछ यही दिखाया गया है कि पहले जो येलो डॉलर हो गया था उसके बाद कैसे ग्रीन डॉलर हुआ, फिर कैसे चेंजेस हुए, और इसमें मैंने क्या करके अपने जो लिमिटेड जितने भी वीडियोज़ थे उसको मैंने कैसे मोनेटाइज करा। सो मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ और विथ प्रूफ बताना चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक जो टैग है, मतलब वीडियोस का जो भी पिक्चर्स है, एक मैंने लिया येलो का और दूसरा लिया ग्रीन का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें येलो डॉलर है और इसमें ग्रीन डॉलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में आपको जब आप बनाते हैं उस टाइम बहुत चांसेस ये होते हैं कि आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा और वो मोनेटाइज हो जाएगा। फिर कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ देर के बाद भी हो सकता है कि आपका जो वीडियो है वो फिर से लिमिटेड हो जाए। सो मैं ये बता रही हूँ कि ये वाइट स्टूडियो आप देख सकते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे। तो आप हमेशा, मतलब ये एक हैबिट डाल लीजिए कि मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाके लिमिटेड को फिल्टर लगा के आपको देखना है कि आपके कौन कौन से लिमिटेड हो रखे हैं, फिर उसमें चेंजेस करने। तो आप देख सकते हैं मेरे 21 प्लस वीडियोस एक साथ लिमिटेड हो गए थे। सो मैंने उस टाइम क्या किया, आई डोंट पैनिक, मैंने कोई पैनिक नहीं किया, बस मैंने वीडियोज़ देखे। सो जो भी मैंने वीडियोज़ देखे, आई डोंट नो वाई कि यूट्यूब में ये होता है, कोई भी एक वीडियो ना पर्टिकुलर आपको सही सलाह नहीं देगा, आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। सो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। सब देख सकते हैं, ये एज ए एग्जाम्पल लेके हम इस वीडियो का एग्जाम्पल लेके सारे चेंजेस करेंगे। तो ये वीडियो मेरा 2 दिन के बाद लिमिटेड हो गया था, डीमोनेटाइज हो गया था। तो मैंने इसमें क्या करा था, सबसे पहले इसके टाइटल चेंज करा था, फिर इसका थंबनेल चेंज करा था, टैग्स मैंने कुछ यूज़ करे नहीं थे तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई थी जब मेरा वीडियो मोनेटाइज हो चुका था, उसके बाद शायद दूसरे दिन ये खुद से ही लिमिटेड हो गया था, बिकॉज मैं हमेशा सर्च करके देखती रहती थी कि कौन सा लिमिटेड हो रखा है, कौन सा क्या हो रखा है, क्योंकि मैं 21 वीडियोज़ फंसे पड़े थे। तो कुछ वीडियोस तो विदिन नेक्स्ट 1 आवर के अंदर ही हो गए थे और कुछ को कम से कम 2 दिन लग गए थे। तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में ये भी नहीं बताया गया कि कितना टाइम लगता है लिमिटेड से मोनेटाइजेशन होने में। तो मैं बता दूँ, कुछ वीडियोस आपके 1 घंटे में हो सकती हैं, कुछ 5 मिनट में हो सकते हैं, कुछ को 2 दिन भी लग सकते हैं। तो ये वीडियो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मेरा 7 जनवरी को लिमिटेड हो गया था और 9 को जाके ये मोनेटाइज हुआ है। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ चेंजेस करी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या मैंने लिख दिया है जिस वजह से यूट्यूब को ये लगता है कि ये जो वीडियो है ये एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली वीडियो नहीं है। तो आप जब भी वीडियो बनाएं, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको ऐसा वीडियो बनाना है जो कि एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली होगा, आपके कंटेंट बिल्कुल सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गलत वीडियो बना रहे, बहुत ही गलत वीडियो बनाएंगे तो बात अलग है। सो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि डेस्कटॉप वर्जन से, अगर जैसे कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के थ्रू आप कैसे डेस्कटॉप वर्जन ओपन कर सकते हैं। तो उस मेल के थ्रू मैं डायरेक्टली गई हूँ, तो जूम इन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रहा मेरा वीडियो, जिंक कोविड सिरप के थ्रू मैंने सिरप का वीडियो बनाया था मैंने। तो आपको क्या करना है, इस पर सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक जैसे ही करेंगे वहाँ पर मोनेटाइजेशन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा सारी चीज़ें वीडियो में ऑलरेडी चेक इन थी, ठीक है। तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी कैसा क्या हो गया। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर वाला टैग आपको दिख रहा है, द वीडियोज रनिंग लिमिटेड और नो एड्स ड्यू टू कंटेंट आइडेंटिफिकेशन एज नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर, इट रिमेन फुली पेएबल एंड इट इज़ एलिजिबल टू अर्न सब्सक्रिप्शन मनी। सो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर है उसको आपको रिक्वेस्ट रिव्यू करना है। तो आप जैसे रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं वैसे ही आपको एक ह्यूमन रिव्यू होता है, यानी कि ये पहले तो जो मोनेटाइजेशन होता है वो तो सिस्टम रिव्यू कर देता है आपका। तो जब इसको रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो ये ह्यूमन, कोई इंसान बैठ के आपका वो रिव्यू करता है, पूरा वीडियो वो देखता है, और अगर उसको थोड़ा भी कुछ भी गड़बड़ लगती है कि ये वीडियो नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट कर देता है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम पे वो एक्सेप्ट कर देते हैं। तो मैंने देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ इस तरीके से रिक्वेस्ट ह्यूमन रिव्यू करा और इसको करते ही आई थिंक उन लोगों ने 2 दिन लिया, आई डोंट नो वाई 2 दिन लिया। ये भी हो सकता है कि उनके पास काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये मेडिसिन से रिलेटेड रिव्यू था, और बहुत ही मेडिसिन से रिलेटेड रिव्यू आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव रिव्यू हो सकता है। सो इस वजह से मैं भी शायद वो लोग ले रहे होंगे।
इसलिए शायद उन लोगों ने थोड़ा सा टाइम लिया होगा। तो मैंने अब आपको यहाँ से जैसे सिस्टम पे हम बैठ के काम करते हैं ना, वैसे मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। एक पर्टिकुलर वीडियो को लेके मैं सब कुछ बता रही हूँ आपको। तो आपको पहले सबसे चेक करने लेना है कि ऐसा आपने क्या चेंजेस कर दिया, ऐसा क्या गलत कर दिया। टाइटल आपको सबसे पहले चेंजेस कर देना अगर ऐसा कुछ होता है तो, थंबनेल चेंज कर दीजिए, टैक्स अगर आपने यूज़ करा तो सारे टैक्स डिलीट कर दीजिए, और टाइटल होगा जितना हो सके उसको सिंपल रखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं होता कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके टाइटल रख रहे हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि हिंदी में टाइटल मत रखिए, इंग्लिश में रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, मिक्स टाइटल भी चलेगा। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तो मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हूँ, लेकिन जब भी मोनेटाइज हो चुका होगा उसका भी मैं दिखाऊंगी आपको स्क्रीनशॉट। उस टाइम मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रखा हुआ था, मैंने सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश नहीं रखा, क्योंकि हम इंडिया में हैं और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं हिंदी से। बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी होते हैं जिन जो अपने मोबाइल पे हिंदी में ही सब कुछ टाइप करते हैं सब कुछ, तो फिर ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल होती है हिंदी में सब चीज़ शेयर करना। तो मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिया था अपने हिसाब से। उसके बाद मैंने ऑब्वियसली ह्यूमन रिव्यू के लिए भेज दिया था उस टाइम, और अगर जैसे आपको ह्यूमन रिव्यू के लिए गया है तो ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप बहुत आसानी से चेंजेस भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते। तो मैं फिर से YTS स्टूडियो पे आई हूँ और फिर से मैंने आपको ये देखी ये वीडियो, इसमें क्या कुछ नहीं है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है सब कुछ है, और अब इसके मोनेटाइजेशन ग्रीन हो गया है। मैंने इसमें सारी चीज़ें करी, और जो पिक्चर है ये मैंने खुद से ली थी, फिर मैंने शायद मोबाइल से लिए कहाँ से लिए मुझे याद नहीं, उन दोनों को मिक्स करके मैंने लगा दी। आपको ऐसे कोई कंटेंट नहीं यूज़ करना जो कि कॉपीराइट हो, थंबनेल में कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखनी जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। सो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है कि अगर आप YouTube यूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा मोनेटाइजेशन सेक्शन जो होता है उसमें जाके जो लिमिटेड होता है आपको हमेशा फ़िल्टर लगा के देखना है, क्योंकि आपको ये नहीं जानते कि आप कब कौन सा वीडियो आपका जो कि मोनेटाइज है वो कब जाके डिमोनेटाइज हो जाए या फिर लिमिटेड चले जाए, या आप भी नहीं जानते। तो इट्स बेटर कि आपको पता ना चले और आपके कुछ रिवेन्यूज़ ख़राब हो जाएं, तो आप ये हैबिट डाल लीजिए कि एटलीस्ट जब से पहले आप फर्स्ट फॉल फ़ोन उठाते हैं मोबाइल शुरुआत में और रात में सोते वक्त, ये ज़रूर देखिए। तो दिखा रही हूँ मैं वही आपको कि इस वीडियो को किस तरीके से मैंने मोनेटाइज करवाया फिर से, अदरवाइज मेरे 20+ वीडियोज़ जा चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया। और बाद में जब मैंने उसमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हैं ना, तो लिटरली उन छोटे छोटे चेंजेस की वजह से मेरा फिर से सारी चीज़ें ट्रैक पे आ गई है, और आज की डेट पे मेरे एक भी ऐसा वीडियो नहीं जो कि लिमिटेड ही है, सब के सब मोनेटाइज हो चुके हैं, चाहे वो 2 मिनट का वीडियो हो या 10 मिनट का। आप ये देख सकते हो इस तरीके से आपको मेल आती है जब आपका ह्यूमन रिव्यू क्लियर हो जाता है, तो आपको इस तरीके से कुछ मेल आ रही होगी। पहले 10 वीडियोस की आई होंगी, उसके बाद 9 की आई है, और ये रहा जिंक कोविड की। सो थैंक यू सो मच।